बजट को लेकर कल से ही आप लोग कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये तो सरकार बचाओ बजट है, इसमें बाकी लोगों को कुछ नहीं मिला, सिर्फ दो राज्यों को छोड़ के। अगर हम बजट को देखें, और अक्सर ये होता है कि जब सरकार बनती है तो बहुत खुशियां होती हैं और कार्यकर्ता नेता बहुत खुशी मनाते हैं। बीजेपी खुद इस बात को महसूस करती होगी कि जब पहली बार उनकी सरकार बनी थी इतनी धूमधाम, खुशियां, मिठाई, सब कुछ बटा था, और जब दूसरी बार सरकार उनकी बनी उससे ज़्यादा खुशियां लोगों ने मनाई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े लगा करके बजाया। लेकिन वजह क्या है कि तीसरी बार जब सरकार बनी तो उतनी खुशियां नहीं आई, और इसी तरह ये बजट है। हालांकि तीसरी बार के सरकार का पहला बजट है, 11वां बजट है, और जो खुशी, जो उत्साह, जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दे रही है। ये बजट कम चपत ज़्यादा लग रहा है, बजट के साथ चपत लगा दी गई है, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के लोग निराश हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश देख रहा था कि उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है वहाँ, दिल्ली में भी उनकी है, यूपी में भी वही है, लेकिन इधर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम आंकड़े देखें, कहने को तो सरकार कहती है कि हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और अगर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी आप बन रहे हैं तो इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी क्यों? और फिर 10 साल जो आपके फैसले थे उसने बेरोजगारी बढ़ाई है, और आज जो आप रोजगार देना चाहते हैं वो रोजगार ऐसे नहीं कि सम्मान प्राप्त मिलेगा नौजवानों को, सम्मानजनक रोजगार नहीं है। आप क्या कह रहे हैं कि 5,000 की नौकरी आपको मिलेगी, और तब आप कह रहे हैं, जब सरकारी कर्मचारी ये कह रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह महंगाई है 8वां वेतन आयोग आना चाहिए और उनकी वेतन और सुविधाएं बढ़नी चाहिए। तो सोचिए आज की महंगाई में आप 5,000 की नौकरी देना चाहते हैं, और तब जब आप लगातार सरकार में, तो 10 साल से सरकार में आपने बेरोजगारी बढ़ाई, बेरोजगारों की संख्या बढ़ाई, अब आप सम्मानजनक रोजगार भी नहीं दे पा रहे हैं, आप 5,000 की नौकरी देना चाहते हो, इसलिए बजट नहीं है, ये बजट के साथ साथ चपत लगी है। लेकिन आप यूपी की बात कर रहे थे अखिलेश जी, यूपी के साथ तो इनकी सरकार है, क्यों वहां पे अनदेखी की गई, क्या वजह? आपने कहा सुबह आप लगातार बोल रहे हैं कि वहां पे, क्योंकि योगी नाम तो नहीं लिया आपने, लेकिन एक तरह से कहा कि वहां पे अनदेखी की गई है, क्योंकि जो माहौल चल रहा है उसकी वजह से ऐसा किया गया। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ मांगा ही नहीं होगा, और अगर कुछ मांगा होता तो शायद दिल्ली की सरकार उन्हें निराश नहीं करती। मान लीजिए बिहार को पैकेज मिला है, और बिहार को इसलिए पैकेज मिला है क्योंकि उन्हें सरकार चलवानी है बिहार के सांसदों से सहयोग लेकर के। अब बिहार की बाढ़ रोकने के लिए पैसा है, तो अगर बिहार की बाढ़ रोकनी है तो भारत सरकार को नेपाल सरकार से बात करनी पड़ेगी, नेपाल अपना पानी रोके या नियंत्रण करे, और वहीं बिहार की बाढ़ को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश का भी सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जो पानी नेपाल से आता है, जो उत्तर प्रदेश का पानी बहता है, वो सब बिहार में चला जाता है, वही कारण बाढ़ का बनता है और उनका अपना पानी भी होता है। पर योगी जी ने क्यों नहीं मांगा होगा बजट? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने विशेष पैकेज क्यों नहीं मांगा, या विशेष योजनाओं के लिए पैसा क्यों नहीं मांगा, या उन्हें विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया गया। उदाहरण के लिए, क्योंकि मैं जब वित्त मंत्री जी का भाषण सुन रहा था तो उसमें ये कहा जा रहा था कि बक्सर से लेकर के भागलपुर तक एक्सप्रेस वे बनेगा, लेकिन वहीं वित्त मंत्री जी ये भूल गई कि एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, अगर उसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को आप बक्सर से जोड़ दें तो शायद भागलपुर से लेकर के दिल्ली तक आपको सीधा रास्ता मिल जाएगा। अब ये 25 किलोमीटर सड़क कौन बनाएगा, क्योंकि जो ये एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार में अलाइनमेंट और बना था वो पखनपुरा तक बना था, एक गांव है गाजीपुर में, पखनपुरा तक वहां पर बना करके छोड़ दिया था, क्योंकि मानक ये कहता है कि अगर आप एनएचआई की सड़क से जोड़ते तो आप टोल रोड नहीं बना सकते थे। तो अब बीच का जो 25 किलोमीटर का हिस्सा है, दिल्ली सरकार भी बनाना नहीं चाहती, उत्तर प्रदेश की सरकार मांग नहीं रही है, अगर ये 25 किलोमीटर भी एक्सप्रेसवे जुड़ जाए तो देश के लिए सोचो कितना बड़ा एक्सप्रेस होगा कि कोई भागलपुर से चलेगा और दिल्ली तक एक्सप्रेसवे से आ जाएगा। अखिलेश जी, आप लोग कह रहे हैं सरकार बचाओ बजट है, जबकि वो तो कह रहे हैं कि सरकार, ये बीजेपी कह रही है कि हमने हर तबके के लिए इसमें कुछ ना कुछ दिया है। नहीं, अगर आप आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए विशेष पैकेज देंगे, आप बिहार को एक्सप्रेसवे का पैकेज देंगे,
आप वहाँ की बाहर नियंत्रण के लिए पैकेज देंगे और बाकायदा आप उन स्टेट्स का नाम लेंगे। उत्तर प्रदेश का तो एक बार नाम नहीं लिया गया स्टेट का, तो जो सांसद बैठे हैं समझ में तो यही आएगा कि उनको खुश करने के लिए बजट बनाया जा रहा है, उनको खुश करने के लिए बजट दिया जा रहा है।